दोस्तों बॉलीवुड में एक्शन मूवीज का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। लोग बढ़ चढ़कर मारधाड़ वाली पिक्चरों को पसंद कर रहे हैं और इन्हीं गांड-फाड़ एक्शन सीन्स को करने के लिए बॉलीवुड भी हॉलीवुड की तरह ताबड़तोड़ वीएफएक्स का यूज कर रहा है। वीएफएक्स की वजह से किसी का भी हुलिया इतना बदला जा सकता है कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे। अगर आपको बिना वीएफएक्स के शूट किए गए सीन को दिखा दिया जाए तो आप लोग सिर्फ एक ही चीज बोलोगे, सर ये तो टट्टी है। इसलिए दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे सीन्स दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपको टट्टी आ जाएगी। ओ सॉरी, मेरा मतलब आप यकीन नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादा बकचोदी के फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज का मसालेदार वीडियो। दोस्तों बैंग बैंग मूवी का हितिक का वो सीन तो आपको याद ही होगा जहां पर वो आग के सामने से स्टाइल से वॉक करते हुए सामने की तरफ आते हैं। भाई चुतियापे की भी हद होती है, मतलब आप ही सोचिए दोस्तों, अगर असली में ऐसे किसी के साथ हो तो उसकी गार्ड का भटूरा बन जाए। लेकिन भटूरा तो तब बनेगा ना जब असली में आग लगी होगी, क्योंकि इस सीन में हृतिक रोशन सिर्फ एक हरे पर्दे के सामने वॉक कर रहे हैं। ये सारा खेल वीएफएक्स का था जिसने हरे पर्दे को आग में बदल दिया और हृतिक रोशन की गार्ड का भटूरा बनने से बचा लिया। ऐसा ही कुछ इस फिल्म के एक सीन में हुआ जहां पर एक फोर्ड की तस्वीर को लेकर यूज वीएफएक्स की मदद से जलता हुआ दिखाया गया। दोस्तों फिल्म थ्री इडियट्स में बुमन ईरानी को एक साथ दोनों हाथ से लिखते हुए दिखाया गया था। हालांकि ये काम वो असली में भी कर सकते थे, लेकिन बचपन की कुछ गलतियों की वजह से उनके हाथों में जान नहीं बची थी। समझ रहे हो ना, इसलिए इस काम को भी वीएफएक्स की मदद से ही किया गया। उन्होंने बारी बारी दोनों हाथों से लिखा और बाद में कुछ इस तरह से इसे फिल्माया गया। दोस्तों आपको सुशांत सिंह राजपूत पसंद हो या ना हो, लेकिन उसकी एमएस धोनी फिल्म तो आपको याद ही होगी। क्या आप ये जानते हैं कि किस तरह सुशांत सिंह को एक असली मैच के अंदर दिखाया गया? अगर नहीं तो आप ये देखिए, कुछ इस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को धोनी की जगह असली मैच में लाया गया और फिल्म में एक जगह पर सुशांत सिंह को बहुत पतला और कम उम्र का भी दिखाया गया। उस जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर सुशांत का चेहरा लगा दिया गया और सारा खेल वीएफएक्स का था। दोस्तों फिल्मों में किसिंग सीन का आजकल बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन कुछ सीन्स बिल्कुल रियल होते हैं, लेकिन कभी कभी उन लोग सीन्स करने से मना कर देते हैं, तो वीएफएक्स यहां भी अपना जादू दिखाता है और एक नकली किसिंग सीन तैयार होता है। दोस्तों फिल्म बाहुबली सबसे ज्यादा वीएफएक्स इस्तेमाल करने वाली फिल्म है, या यूं कहूं जिस फिल्म ने सबसे ज्यादा आपका चूतिया काटा है वो है बाहुबली, जिसमें भल्लाल देव को एक सांड से लड़ते हुए दिखाया गया है, जो असल में कुछ इस तरह फिल्माया गया था। दोस्तों अगर सच में किसी बंदे को इतने बड़े सांड से लड़वा दिया जाए तो सांड उसे मारकर उसका गोबर भी निकाल देगा। दोस्तों आजकल सिक्स पैक्स का ट्रेंड चल रहा है, हर कोई अपने सिक्स पैक्स बनाने में लगा हुआ है और ये ट्रेंड अपने सल्लू भाई ने ही शुरू किया था। बेशक सलमान खान बेहद फिट एंड फाइन है, पर हम सभी जानते हैं कि इतनी उम्र में सिक्स पैक्स ऐप बनाना कितना मुश्किल है। इसलिए फिल्म में सल्लू भाई का बुढ़ापा छुड़पाने के लिए उनके पेट पर पार्ले जी के बिस्किट्स का इस्तेमाल किया गया था। नहीं दोस्तों, ये भी अपने वीएफएक्स बाबा का ही जादू था ताकि उनके फैंस उनको बूढ़ा ना समझे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली मसालेदार वीडियो में।